इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सांस सांस में बांस। बच्चों, इस निबंध को हमने इसके भाग एक में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। निबंध से बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? तो इस निबंध में हमने जाना ना कि 3 साल से अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जा सकता है। बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? बूढ़े बांस सख्त होते हैं और आसानी से टूट भी जाते हैं। इसके विपरीत युवा बांस लचीले होते हैं और जल्दी टूटते नहीं हैं। उन्हें किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? तो ये बात आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मुझे बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में से सबसे आश्चर्यजनक मुझे बांस का अचार लगा। क्यों लगा? क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत प्रकार के अचार खाए हैं, पर बांस के अचार का नाम मैंने इस पाठ में ही पहली बार सुना है, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो बांस की बुनाई निबंध के अनुसार माना जाता है कि मानव और बांस की बुनाई का रिश्ता तब से आरंभ हुआ होगा जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। तब बांस से इस तरह की डलियानुमा टोकरी बनाई होगी, या फिर शुरुआत में सारी बुनाई डलियानुमा आकार की होती थी। बैया चिड़िया के घोंसले से भी उन दिनों की बुनाई काफ़ी प्रभावित हुई होगी। बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है एटलस में देखो तो इस निबंध में हमें जानकारी नागालैंड के बारे में दी गई है। निबंध से आगे बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। कहने का अर्थ है कि इन शब्दों के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि बांस का उपयोग और किन किन चीज़ों में हो सकता है या होता है। जैसे संगीत के क्षेत्र में कई प्रकार के वाद्य यंत्र बनाने में बांस का उपयोग होता है। मच्छरदानी को लगाने के लिए बांस की आवश्यकता होती है। फर्नीचर निर्माण में बांस कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है और बांस से विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं, जो कि अक्सर आपने अपने घरों में ज़रूर देखे होंगे। प्रकाशन, बांस का बुरादा किताब या कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक नया संदर्भ, तो एक नया संदर्भ में खिलौने, बांस से विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनते हैं। इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन यानी जो हमें प्रकृति से नेचुरल मिली हैं, तो बांस से विभिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जाता है ना, जो कि हम दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते हैं। वैसे ही प्राकृतिक संसाधन में चमड़ा, तो इससे दैनिक उपयोग की कौन सी वस्तुएं बनती हैं? चमड़े से जूते, बैग, बेल्ट, जैकेट आदि। घास के तिनके, झाड़ू, खिलौने, गद्दी आदि। या बैया जो घोंसला बनाती है वह भी घास के तिनकों से बनाती है। बाकी के दूसरे पक्षी भी कुछ घास के तिनकों से अपना घोंसले का निर्माण करते हैं। पेड़ की छाल, कागज़, दवाई, साबुन आदि के निर्माण में। गोबर से खाद बनती है, उपले बनते हैं। मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि। इनके अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो।
इनमें से किन्हीं एक या दो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। तो ये बच्चों, आप ये फ़ोटो देखकर लिख सकते हो, जैसे गोबर के उपले बनाने की विधि। गोबर को इस तरह छोटे छोटे उपलों का आकार देकर इनको धूप में सुखाया जाता है, फिर इनको इकट्ठा करके एक जगह रख लिया जाता है और इनका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिनसे खाना बनाना, पानी गर्म करना, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। चमड़े से जूते बनाने की विधि। चमड़े को जूते का आकार देकर किस तरह जूते का निर्माण किया जाता है। जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, कहने का अर्थ है कि जिन जगहों पर हर जगह बांस ही बांस है, वो दैनिक जीवन में सब चीज़ें बांस से ही बनी काम में लेते हैं, तो वहाँ पर अखबार और टेलीविज़न के ज़रिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। तो ये देखो, ऐसी जगहों पर कुछ इस तरह की तस्वीरें हमारे मन में आती हैं। अनुमान और कल्पना। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है। जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। जैसे बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो शंकु का आकार तो बच्चों आप जानते ही हो, कुछ इस तरह का होता है। तो बड़े जाल में छेद बड़े होने के कारण छोटी मछलियां उसमें फंसती नहीं हैं, इसलिए बांस से बनाए गए शंकु के आकार के जाल में इतने छोटे छोटे छेद होते हैं, कुछ इस तरह के, कि उनमें से केवल पानी ही निकल पाता है और छोटी से छोटी मछली भी अंदर फंस जाती है। और दूसरा, इस शंकु आकार के जाल का फायदा क्या है? जाल का आकार शंकुनुमा होने के कारण मछलियां कूद कर भी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए शंकुनुमा आकार के जाल को ही छोटी मछलियों को पकड़ने के काम में लेते हैं। शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? तो ये देखो, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार, तो नीचे का हिस्सा नुकीला होता है। वह अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखाई देता है। इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? ताकि सतह के आसपास तैर रही छोटी मछलियां उसमें फंस जाएं। शब्दों पर गौर। हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलियानुमा, कहे मुताबिक, इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों, मैं आपको उदाहरण के लिए वाक्यों में प्रयोग करके दिखाती हूँ। उसके बाद आपको ऐसा सेम टू सेम नहीं लिखना है, अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। जैसे हाथों की कलाकारी। अच्छी डिजाइन देखकर सभी ने कलाकार के हाथों की कलाकारी को सराहा। घनघोर बारिश। घनघोर बारिश के चलते सभी उड़ान रद्द करनी पड़ी। बुनाई का सफ़र। प्राचीन काल की आकृतियों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुनाई का सफ़र बहुत पुराना है। आड़ा तिरछा। जल्दबाजी में पूरा सामान गाड़ी में आड़ा तिरछा भरा गया। डलियानुमा। बाज़ार से सब्जी लाने के लिए मैंने एक डलियानुमा टोकरी चुनी। कहे मुताबिक। स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों ने अध्यापिका के कहे मुताबिक सारे काम किए। व्याकरण। बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। तो बच्चों, आपने व्याकरण में ये पढ़ाई होगा, प्रत्यय किसी क्रिया के बाद में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। जैसे
दब प्लस आव, घिस प्लस आई। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। जैसे बुनावट में बुन प्लस आवट, तो आवट प्रत्यय लगाकर तीन नए शब्द बनाए हैं, सजावट, बनावट, मिलावट। नुकीला में नुक प्लस इला, तो इला प्रत्यय जोड़ने से तीन नए शब्द, जहरीला, सजीला, नशीला। दबाव, दब प्लस आव, तो आव प्रत्यय जोड़कर तीन नए शब्द बने, चुनाव, सुझाव, टकराव। घिसाई, घिस प्लस आई, तो आई प्रत्यय से तीन नए शब्द बने, पढ़ाई, भलाई, रिजाई। तो इसी तरह बच्चों, आपको एक एक शब्द और बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इन शब्दों का वाक्यों में भी प्रयोग करो। जैसे बुनावट से मेरी माँ की बनाई स्वेटर की बुनावट बहुत सुंदर होती है। नुकीला, खेल खेल में बच्चे के खिलौने का नुकीला कोना चुभ गया। दबाव, विपक्षी टीम दबाव में अच्छा नहीं खेल पाई। घिसाई, बढ़ई ने लकड़ी की घिसाई करके उसे बहुत सुंदर बना दी। नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों का ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हरेक गठान से काटा जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। तो रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। ये जो नीचे रेखांकित शब्द हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इनको थोड़ा अलग ढंग से लिखना है। जैसे बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी वहाँ खूब है। हम यहाँ जिक्र ही बांस की एक दो चीज़ों का कर पाए। आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए मसलन बांस को हरेक गठान से काटा जाता है। तरह तरह की टोपियाँ भी खपच्चियों से बनाई जाती हैं। तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? तो तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा कहते हैं। सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो, थंब को अंगूठा कहा जाता है, अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी, ये बीच में है तो मध्यमा, ये उंगली अनामिका और ये सबसे छोटी उंगली कहलाती है। अब आप अपनी भाषा में इनको बताओ कि क्या कहा जाता है। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये पांच उंगलियों के नाम हैं। इन्हें पहचानकर सही क्रम में लिखो। तो ये अभी हमने जाना ना कि ये अंगुष्ठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा कहलाती है। इस निबंध को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। बांस पेड़ है या एक प्रकार का घास, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अपने घर में बांस से बनी पांच वस्तुओं का नाम लिखें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।